तो इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है फाइंड ऑल ट्रिपल्स ए कोमा बी कोमा सी ऑफ रियल नंबर सच दैट दिस कंडीशन विल होल्ड एंड दिस कंडीशन विल होल्ड। तो फर्स्ट कंडीशन इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज दिस कंडीशन ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी प्लस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस बी। सो यू लुक एट दिस, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। सो इन ए स्क्वायर बी प्लस सी यू कैन राइट ए सी टाइम्स 1 एंड इन द प्लेस ऑफ 1 तुम यहाँ पर ये पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने पुट किया, सभी जगह पुट कर दिया, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को लेता है। तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और इधर आएगा बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी। तो ए बी सी को तुम कैंसिल कर सकते हो, ए स्क्वायर बी को तुम कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से आएगा सी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी और इधर से आएगा सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये चीज आई, वैसे बाकी को भी करेंगे तो बी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस सी इज इक्वल टू बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर टाइम्स बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर मैं इसमें सी से डिवाइड करना चाहता हूँ लेकिन सी जीरो भी हो सकता है, तो यहाँ पे सी इक्वल टू जीरो वाला केस ले लेता है। तो शुरू में अपन को ये सेकंड कंडीशन दे रखी थी, तो इसमें सी इक्वल टू जीरो पुट करोगे यहाँ पे ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, और इसमें जीरो पुट करोगे तो यहाँ पर ये दो टर्म जीरो हो जाएगी एंड ए बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम बता सकते हो कि ए कोमा बी की ये वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1। सो ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू माइनस 1 और बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो एक तो अपने पास ये आ गया और सी की वैल्यू अपन ने जीरो ली थी, तो ये और इन 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 सब के परमुटेशन अपने सॉल्यूशन हो जाएंगे और इन सब के परमुटेशन। नेक्स्ट अपने पास अब सी नॉन जीरो है तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो सी टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस आएगा, बी टाइम्स ए प्लस सी इज इक्वल टू दिस आएगा, ए टाइम्स बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस आएगा। अब तुम इन तीनों को ऐड कर सकते हो और इन तीनों को ऐड कर सकते हो, यहाँ से टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बन जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक तो ये चीज है, और तुम्हें यहाँ से देखोगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनेगा, तो इन तीनों की वैल्यू इक्वल भी आ जाएगी। तो इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ई इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आएगा एंड ये बी हो जाएगा एंड ये सी हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन अपने पास ये आएगा और इन सब के परमुटेशन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में।